28 दिनों बाद गम की रात बीती जिसका इंतजार शाहरुख खान का परिवार बेसब्री से कर रहा था। वो इंतजार खत्म हुआ जिसके लिए शाहरुख के चाहने वाले दुआएं कर रहे थे। आर्थर रोड जेल से आर्यन खान मन्नत पहुंचे। मन्नत में बेटे के स्वागत की पूरी तैयारियां थी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तारीख पे तारीख के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जब आर्यन के लिए जेल का गेट खुला। सुबह 11 बजे आर्यन आर्थर रोड जेल से बाहर आए। रेंज रोवर गाड़ी पहले से लगी थी। जेल के गेट से निकलते ही आर्यन सीधे कार में जाकर बैठ गए। देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये जो रेंज रोवर कार और लगातार वो काफिला दिखा रहे थे उसी काफिले में बैठकर आर्यन खान जो बॉडीगार्ड शाहरुख खान का रवि है उसके साथ निकल चुके हैं। यहाँ पर ये सीधे तस्वीरें दिखाई, 28 दिन बाद ये रिहाई हुई है। मन्नत कहीं ना कहीं शाहरुख खान उनके परिवार की पूरी हो चुकी है। कुछ देर पहले ही यहाँ से सीधा निकले हैं और सीधा अब वो घर जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे की दूरी वो यहाँ से मन्नत के बंगले के। आर्यन के बैठते ही गाड़ी फर्राटा भरने लगी। मंजिल शाहरुख खान का बंगला मन्नत थी। आर्यन 28 दिनों बाद घर जा रहे थे। 2 अक्टूबर को ही ड्रग्स केस में उन्हें हिरासत में लिया गया था। शाहरुख खान का वो तकरीबन 5 से 10 मिनट में आ जाएगा। जो तीनों काफिले की गाड़ियां हैं वो इस वक्त हमारे फ्रेम में यहां पर आप देख सकती हैं। रेंज रोवर कार, उसके पीछे ये मर्सिडीज कार जो फॉलो कर रही है। तीनों कारियां इस वक्त सीलिंग पर उतर चुकी हैं। सीलिंग से जो बैंड्रा वेस्ट का इलाका है माउंट मैरी की तरफ वहां पर बढ़ रही है। और यहां पर आप देखेंगे कि जो पहली गाड़ी है रेंज रोवर उसमें आर्यन खान बैठे हुए हैं, उसके साथ शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि भी शामिल है यहां पर। और कुछ ही मिनटों में अब मन्नत की तरफ आप कह सकती है कि ये जो गाड़ी है आर्यन खान यानी कि 27-28 दिनों में जेल में रहने के बाद आर्यन खान बस अब कुछ ही मिनटों का घर परिवार वालों के लिए इंतजार। आर्यन खान की गाड़ी जो है वो मन्नत पहुंचने वाली है। लीलावती हॉस्पिटल इस वक्त हम है लीलावती हॉस्पिटल के पास। आप देख सकते हैं कि यहां पर लीलावती हॉस्पिटल के पास बैंड्रा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है गाड़ियां। और ये जो है बैंड्रा वेस्ट का पूरा इलाका है। यहीं से तो कुछ दूर में जो मन्नत है वो जो बंगला है शाहरुख खान का वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि ये जो काफिला है ये अब बैंड्रा वेस्ट की तरफ पहुंच चुका है। कुछ ही मिनटों का इंतजार आर्यन खान अपने घर पर पहुंचने से पहले। कई जैसा कि आप बता रही थी पहले भी शर्तें रखी गई है जरूर आर्यन खान के ऊपर ये बेल पाने से पहले, जिसमें पहली बात उनका जो पासपोर्ट है वो जमा कर लिया गया है। कहीं भी जाने से पहले जो है उन्हें मुलाकात करनी पड़ेगी, आप कह सकते हैं परमिशन लगेगी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की। साथ ही साथ उनके जो दोस्त है अरबाज मर्चेंट, अब वो इस केस में क्योंकि को अक्यूज है वो अरबाज मर्चेंट से संपर्क नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। ये भी एक बड़ी शर्त इस वक्त रखी गई है। करीब आधे घंटे बाद आर्थर रोड जेल से आर्यन को लेकर जा रहा काफिला मन्नत पहुंच गया। बाहर शाहरुख के फैंस बैनर पोस्टर के साथ मौजूद। आर्यन की रिहाई पर वो खुशी जता रहे थे। 28 दिनों से मातम था, आप देख सकते हैं ये भीड़ ये हुजूम और यहाँ पर मौजूद शाहरुख और उनके चाहने वाले, ये बात इस बात का सबूत है कि जो मातम यहाँ पर पिछले 28 दिनों से चल रहा था अब खुशियों में तब्दील हो जाएगा। आर्यन खान इसी गाड़ी में मौजूद है जो आप गाड़ी हमारे कैमरे की नजरों में देख पा रहे हैं। इसी में आर्यन खान हो सकता है शाहरुख खान भी इस गाड़ी में बैठे हो और ये गाड़ी अब कुछ ही देर में दाखिल होगी। ये देखिए गेट के पास कितनी भीड़ है, आपको दिखा सकते हैं, जरूरत से ज्यादा भीड़ है। उनके फैंस पूरे उत्साह के साथ चला रहे हैं क्योंकि इसी मौके का इसी वक्त का इसी घड़ी का इंतजार था उनके फैंस को और खुद शाहरुख खान और उनके परिवार को। तो शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है, शाहरुख खान के लिए बड़ी खबर है कि आज उनका चहेता सितारा अपने घर अपने अपने वारिस को लेकर पहुंच चुका है। सुबह से ही आर्यन की रिहाई को लेकर हलचल थी। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि शाहरुख बेटे को लेने जेल तक आएंगे। मन्नत से गाड़ियों का काफिला निकला तो लगा बस वो पल आ ही गया, लेकिन कुछ देर में जेल प्रशासन ने साफ कर दिया कि बेल ऑर्डर आ गया है, रिहाई जल्द होगी। प्रोसेस चालू हो गया है, 1 से 2 घंटा उसमें लगेंगे।
उसके साथ जितने कैदी बाकी का बेल ऑर्डर आया है उसके साथ में उसको छोड़ा जाएगा। अकरावासी 10 से 12 बजे तक छूट जाएगी, जितना लोग ज्यादा रहेंगे उतना कंफर्मेशन की ज्यादा कैदी है सर, कितने कैदी हैं पता नहीं, देखना पड़ेगा। 11 बजे के बाद हम तैयारी चालू है, प्रोसेस चालू है, प्रोसेस चालू है। रिलीज ऑर्डर मिल गए हैं, अभी उसको 10 से 12 बजे तक छोड़ा जाएगा, उसके साथ में जितने भी प्रिजनर रहेंगे उनको छोड़ा जाएगा। आर्यन पर आफत 2 अक्टूबर को आई, उस दिन अपने घर से निकले और दोस्तों के साथ क्रूज पार्टी में शामिल हुए। क्रूज पर छापे के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद 7 अक्टूबर तक वो एनसीबी दफ्तर में रखे गए। 8 अक्टूबर को उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। 21 अक्टूबर को पिता शाहरुख खान उनसे मिलने जेल आए, लेकिन आर्यन बाहर नहीं आ सके। एनसीबी दफ्तर और जेल में रहते हुए करीब 1 दर्जन बार उनकी हिरासत और जमानत के लिए पेशियां सुनवाई होती रही, लेकिन आर्यन की तकदीर जस की तस रही। आखिरकार 28 अक्टूबर को उन्हें जमानत नसीब हुई, लेकिन रिहाई फिर भी नहीं हो पाई। अब 28 दिन बाद वो वापस उसी घर में कदम रख रहे हैं जिसकी जमीन पर उन्होंने पहला कदम रखा था। पूरे 28 दिन बाद आर्यन घर लौटे तो मन्नत में रौनक भी लौटी। दिवाली से पहले घर जगमग हो गया, खुशियां छलकने लगी, मेगा जश्न की तैयारी शुरू हो गई। 2 नवंबर को शाहरुख का जन्मदिन है और आर्यन की रिहाई उनके लिए जन्मदिन से पहले सबसे बड़ा तोहफा है। मुंबई से अरविंद ओझा, मुस्तफा शेख और पारस के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 27 दिन शाहरुख खान के परिवार के लिए किसी बुरे सपने की तरह रहे। एक एक दिन परिवार पर भारी था, हर तारीख के साथ परिवार का दर्द भी बढ़ रहा था। शाहरुख पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। ये 27 दिन एक पिता के लिए कैसे मुश्किलों भरे रहे, आइए देखते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि आर्यन के जेल जाने से लेकर बेल पर रिहा होने तक शाहरुख खान ने क्या क्या झेला। दो बार जब बेल रिजेक्ट हुई तो शाहरुख खान कैसे अंदर तक टूट गए थे। 2 अक्टूबर की रात शाहरुख खान को आर्यन के पकड़े जाने की खबर मिली। अगले ही दिन यानी 3 अक्टूबर को कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया। इसी दिन शाहरुख और गौरी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। किस्मत मानो इम्तिहान ले रही थी, 2 बार बेटे की जमानत खारिज हो गई, लेकिन आखिरकार वो खबर आई जिसका इंतजार परिवार को बेसब्री से था। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी के मुताबिक जब शाहरुख को बेटे की बेल के बारे में बताया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वरना बेटे के कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद से वो उदास थे, ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे, लेकिन जब बेटे को बेल मिली तो खुशी के मारे रोने लगे। आर्यन को जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान की यही तस्वीरें वायरल हुई। इन 2 तस्वीरों में शाहरुख अपनी लीगल टीम के साथ नजर आए, उनके साथ उनकी मैनेजर पूजा डडलानी भी थी। लेकिन ये तस्वीर शाहरुख की मानसिक पीड़ा को बयां करने के लिए काफी है जो गुजरे दिनों में उन्होंने झेला है। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी के मुताबिक बेटे आर्यन को लेकर शाहरुख खान बहुत परेशान थे, उन्होंने सभी प्रोफेशनल एक्टिविटी छोड़ दी थी। जब फोन पर केस को लेकर शाहरुख से उनकी बात हुई तब वो लंदन में थे। मुकुल रोहतगी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आर्यन केस पर हुई बातचीत के दौरान शाहरुख ने कहा कि आप मेरे पिता जैसे हैं। बस यही बात सुनकर वो आर्यन केस की पैरवी करने के लिए लंदन से मुंबई पहुंचे थे। आर्यन के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के मुताबिक मुश्किल वक्त में उन्होंने शाहरुख को खुद से ही लड़ते और बेटे के लिए तड़पते देखा है। मुकुल रोहतगी ने एक इंटरव्यू में शाहरुख का हाल बयां करते हुए कहा कि शाहरुख खान कई दिनों से बेचैन थे और ठीक से खाना भी नहीं खा रहे थे। बकौल मुकुल रोहतगी, वो बस कॉफी पर कॉफी पिए जा रहे थे और बेहद डरे हुए थे। बड़ी बात यह है कि शाहरुख बेटे के गिरफ्तार होने के बाद से कहीं और रह रहे थे। इतना ही नहीं, शाहरुख अपनी गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। मुकुल रोहतगी की माने तो शाहरुख खान लीगल टीम के साथ घंटों वक्त बिताते थे, खुद घर से नोट्स बनाकर लाते थे, खुद नोट्स को टाइप करते और लीगल टीम को देते थे ताकि मदद कर सके। शाहरुख खान ने हर संभव कोशिश की ताकि उनका बेटा सलाखों से बाहर आ जाए,
दर्द यही था कि बेटे के पास ना तो ड्रग्स मिली, बेटे ने ना तो ड्रग्स का इस्तेमाल किया, तो उसे क्यों सजा भुगतनी पड़ रही है। यही वो टीस थी जिसकी वजह से शाहरुख और गौरी तिल तिल कर जीने को मजबूर थे।